अच्छा था तो भाई पेश है भैया, आप रहने दो ना, मैं ही करता। अरे तू रुक जा बब्बल, मैं सब रट के आया हूँ, अब कुछ ना भूलूंगा मैं। तो भाई अब सब हम आगे बढ़ाते हैं गोद भराई की रस्म को। आ जाओ भाभी, लेकिन जरा ध्यान से। हद हो गई अब तो भूलने की, संगीत के दिन गोद भराई करवा रहा है। भलाई? अरे पिताजी किसी की भलाई की बात कर रहा है तो अच्छी बात है ना। भलाई नहीं, गोद भराई की बात चल रही है मेरी। हैं? गोद भराई की? तेरी गोद भराई और मुझे किसी ने बताया ना। गलती हो गई भाई, माफ कर दे, भूल गए। बब्बल ठोक। छोटा है, प्यारा है, मासूम है, लेकिन शरारतों में शैतान का भी बाप है। अब आप ही संभालिए इस बला को, क्योंकि आज से इसकी मम्मी आप है। वाह, तलप्पू तलप्पू, वाह अप्पू वाह। तू ही अपने दादा का नाम रोशन करेगा, इस बार तू ठोक। घर में थोड़ी सी नहीं है, नेचर में छुई मुई है, रहती है इंसानों में, लेकिन सांपों से बड़ा है प्यार। लीजिए, खत्म हुआ हमारी इच्छा का इंतजार। ये छोरी कहाँ गई? अभी तक तो यहीं थी। अरे ना दादी, ये छोरी गई कहाँ, अभी तो यहीं थी। अरे बावले, मैं भी तो यही कह रही हूँ कि छोरी यही थी, कहाँ गई? अरे दादी, मैं भी तो यही कह रहा हूँ, ये छोरी अभी तो यही थी, गई कहाँ? अरे मैं भी तो वही कह रही हूँ। अरे शांत हो जा, अरे शांत हो जा मेरे बाप। अरे बब्बर, क्या ढूंढ के आ, कहाँ छोरी? ये बत्ती को क्या हो गया? अरे माँ लगता है फ्यूज गिर गया, मैं देखता हूँ। इच्छा तो इतने से वार से ही बेहोश हो गई, इतनी कमजोर निकली तो इच्छा। अब मेरा वार तुझ पर कोई असर नहीं करेगा, पर कोई बात नहीं, मैं वापस आऊंगा, क्योंकि जो हार जाए वो बुद्धिराज नहीं। गुरुजी, मेरी सपोली वो ठीक तो है ना? इस समय कुछ भी कह पाना कठिन है। मतलब? मैं स्वयं असमंजस में हूं, नागोमी देव से भी कोई संकेत नहीं मिल पा रहा, ऐसा लगता है जैसे मेरी आवाज उन तक पहुंच ही नहीं पा रही है। आप कुछ कीजिए ना, ऐसे कैसे अपनी सपोली को मरने के लिए छोड़ सकते हैं? हाँ, मैं कुछ कहता हूँ। प्रणाम गुरुदेव। अरे बाकू, तू यहाँ, तुझे तो इच्छा के साथ होना चाहिए था ना। बाकू बोलो ना, मुझे इच्छा की बहुत चिंता हो रही है। इच्छा, तुम
इच्छा, तुम्हारा वाकू बनकर आना हमें कुछ समझ में नहीं आया। मुखे जी, हुआ यूं कि वाकू। चुप करो इच्छा, मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही करो। अपनी शक्ति का प्रयोग करो और मेरा रूप ले लो जल्दी। लेकिन सवाल जवाब का वक्त नहीं है इच्छा। मैं जल्दी से इच्छा बन जाता हूँ, तुम वाकू बन जाओ। ठीक है। अपना ख्याल रखना बाकू। ठीक है। ने जो किया वो आज मेरी जान बचाने के लिए उसने अपनी जान दांव पर लगा दी। यही तो नागिस्तान के संस्कार हैं। यहाँ का हर एक नाग खुद से पहले दूसरे नाग के लिए जीता है। मेरी सपोली माँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन वाकू, मुझे वाकू की बहुत चिंता हो रही है। तुम चिंता मत करो इच्छा, हम वाकू को बचाने का कोई ना कोई उपाय ढूंढ ही लेंगे। मुखिया जी, मैं नहीं जानती वो कौन सी शक्ति है जो मेरे पीछे पड़ी है, लेकिन वो जो भी हो बेहद शक्तिशाली है। उसकी आवाज जैसे आतंक की तरह है। गुरुजी, आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन उस शक्ति ने मेरी सोच तक खत्म कर दी थी। ये तो ऐन वक्त पर आकर वाकू ने दिमाग लगाकर मुझे बचा लिया। लेकिन वाकू, वो शक्ति वाकू को नहीं छोड़ेगी। देखते हैं वाकू किस हालात में है। वाकू को होश आ गया है। ये तो नागोमी देव की कृपा है। जय नागोमी देव। जय नागोमी देव। अब कौन आ गया? क्या काम है? मैं पूछ रहा हूँ, तुम संगीत छोड़कर यहाँ क्यों आई? वो मुझे नींद आ रही थी तो मैं आके सो गया। सो गया? अब मेरा मतलब है आके सो गई। मुझे पता था बब्बल जी जरूर आएंगे। वैसे इच्छा, तुम्हें वहां कुछ और देर रुकना चाहिए था। कितना मजा आ रहा था यार। अच्छा? सब एक से बढ़ के एक नाच रहे थे, और वो लड़की अमृता, इच्छा वो लड़की धमाका है, धमाका। हाँ यार, मैंने भी उसका नाच देखा। जब वो ठिरकती है ना तो ऐसा लगता है कि बिजली चमक रही है। वाह वाकू, क्या एक्टिंग कर रहा है। तुम्हें पता है हम दोनों ने मिलकर साथ में भी डांस किया वो गाने पे। वो गाना है ना, काटे नहीं कटते ये दिन। यार, मैंने इतना अच्छा परफॉर्मेंस मिस कर दिया। जितनी भी कोशिश कर लो बब्बल जी, ये इच्छा नहीं चलने वाली। वैसे बाहर सब कह रहे थे कि हम दोनों की, मतलब मेरी और अमृता की जोड़ी कमाल की है। हाँ तो मुझे भी ऐसा ही लगता है। जब आप दोनों खड़े होकर बातें करते हो ना, इतनी प्यारी जोड़ी लगती है। तुम्हें भी ऐसा लगता है? हाँ, मुझे तो लगता है आपको अमृता से शादी कर लेनी चाहिए। ए वाकू, अब कुछ ज्यादा हो रहा है, बलते सलते सुझाव मत दे। मैं बुखार बुखार तो नहीं है ना? अच्छा, सब ठीक है ना? अभी तो नहीं है, आप और कुछ देर यहाँ रुकेंगे तो आ जाएगा।
अब बस थोड़ी थकान है, थोड़ा आराम कर लूंगी ना, ठीक हो जाऊंगा, मतलब ठीक हो जाऊंगी। अब देखो अच्छा बबल जी, अभी आप जाइए, मुझे थोड़ा सोना है। तो सो जाओ, जानबूझकर अपनी आंखें बंद कर लो, मैं जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ। तो जाओ। यार ये इच्छा ही है या कोई और? अभी तक यहीं खड़े हो, जाओ। बच गया है तू वाकू, और इच्छा? इच्छा तू अभी तक नागिस्तान पहुंच गई होगी, और उस अजीब सी शक्ति से निपटने का तोड़ भी निकाल लिया होगा। गुरुजी, आखिर कौन सी शक्ति है ये? मैं स्वयं इस शक्ति तक पहुंचने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन अभी भी पूरी तरह इसका ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाया है। परंतु एक बात तो तय है, ये अवश्य कोई बुरी शक्ति है और बुराई का साम्राज्य फैलाना चाहती है। इसके पास वो ताकत है जो किसी के भी दिमाग को खोखला कर सकती है। तो गुरुजी, इसके विनाश का कोई उपाय? अभी तक तो नहीं बना है। तो फिर ठीक है, जब तक इस शक्ति का कोई तोड़ नहीं निकलता, इच्छा इंसानी बस्ती में नहीं जाएगी। वहां ऐसे कैसे हो सकता है? बुराई से डरकर अच्छाई छुप जाए, ऐसा कभी हुआ है क्या? लेकिन इच्छा बेटी, पिताजी आप चिंता मत कीजिए, वो शक्ति दिमाग पर राज करती है और आपकी बेटी दिलों पर राज करती है। नागिस्तान का इतिहास गवाह है कि जब जब दिमाग वालों ने दिल वालों से लड़ने की कोशिश की है, हार दिमाग वालों की ही हुई है। बेटा लेकिन तुम वहां अकेले इस शक्ति से कैसे? हाँ मैं अकेली कहाँ हूँ, मेरा दूसरा परिवार है ना वहाँ, जो मुझसे इतना प्यार करता है। एक दुआ मेरे लिए नागिस्तान से निकलती है और दूसरी उस घर से, और जब मेरे पास दो दो दुआएं हैं, मुझे कैसे कुछ हो सकता है? चलिए अब मैं चलती हूँ अपने अभियान पर, मुझे आशीर्वाद दीजिए। जय नागोमी देव। जो हार जाए वो बुद्धि राज ने। चलो मान लिया, ये रहा तुम्हारा इनाम, सुनहरा बादाम, इसे खाने के बाद तुम्हारी ताकत और आयु 100 गुना बढ़ जाए। अब और न जाने कितने ही दिमाग मेरे वार का शिकार हो, अभी तो उस इच्छा पर मैंने वार करना शुरू किया है। अब वो कमजोर हो और धीरे धीरे मैं उसके दिमाग पर पूरी तरह हावी हो जाऊंगा, खोखला कर दूंगा उसके दिमाग को, और उसके बाद ना तो वो कुछ सोच पाएगी और ना समझ पाएगी, पागल हो जाएगी। और फिर वो मुझे खुद नागिस्तान का पता बताएगी, और उसी दिन आखिरी बार हम उसके दिमाग पर पूरी ताकत से वार करेंगे और इच्छा खत्म करेंगे। और फिर एक तरफ नागिस्तान की तबाही और दूसरी तरफ इस घर की। कमरे में रहूंगा तो लोग शक करेंगे, और कमरे के बाहर तो खतरा ही खतरा है। पता नहीं ये लोग इच्छा समझ के मुझसे क्या क्या करवाएंगे। अरे इच्छा, तेरी ममता दीदी बुला रही है। मुझे क्यों? क्यों मतलब मेहंदी नहीं लगवानी क्या? मेहंदी? हाँ, एक बार मेहंदी लग गई तो फिर वो उतारे ना उतरेगी, पाकिस्तान में सब तेरा मजाक उड़ाएंगे वाकू। नहीं। हैं? चिल्ला क्यों रही है? अरे इतने करीब की आवाज में बड़े ध्यान से सुन लेता हूँ। मुझे मेहंदी नहीं लगवानी।
अरे ऐसे कैसे नहीं लगवानी, घर में शादी है, मेहंदी तो तुझे लगवानी पड़ेगी ना। शादी मेरी थोड़ी ना हो रही है। इच्छा इच्छा, शादी होती एक ही की है, मनाते सब हैं। तू चल मेरे साथ। अब मेरे ड्रेस पे अच्छी नहीं लगेगी। पागल हो गई लड़की। इच्छा तू पागल हो गई क्या? मेहंदी हाथों पे लगती है, ड्रेस पे ना लगती। तू चल। नहीं। तेरी दिक्कत क्या है? खुजली। मैं मेहंदी लगाती हूँ ना तो मुझे बहुत खुजली होती है। बिजली? अरे इस मौसम में बिजली कहाँ से कड़केगी? वो तो बारिश में कड़कती है ना। बिजली नहीं, खुजली। अरे कोई खुजली बुजली ना हो रही, ये कोई मार्केट वाली मेहंदी ना है, ये तो एकदम नेचुरल मेहंदी है, दादी ने अपने हाथ से पीस पीस के बनाई है। तू चल। हाँ ये जब हाथ पे लगती है ना तो ऐसा लगता है जैसे कोई मोर पंख घुमा रहा है। हाँ बिल्कुल ठीक कहा भाई आपने। लेकिन भाई मेरे को एक बात बताओ, सब लोग मेहंदी लगवा रहे हैं, कोई फंक्शन है के? लाल किताब ना लिखता तू? लिखता भाई। तो देखना। ओ भाई वो तो मैं कमरे में भूला है, एक मिनट में आता हूँ। आज तक इन दोनों को दूर से देखता था, बड़ा मजा आता था। आज समझ में आ रहा है जो इनके साथ रहते हैं उन्हें क्या क्या भुगतना पड़ता है। इच्छा क्या सोच रही है? कुछ नहीं कुछ नहीं। आ चल मेहंदी लगवा ले। अरे मुझे नहीं लगवानी। अरे अभी तू ना बोल रही है लेकिन एक बार मेहंदी हाथ से छू जाएगी ना तो तू खुद मेहंदी से लिपट जाएगी। अरे एक तो प्यार का रंग देखना। इच्छा ये लोग मुझसे जबरदस्ती मेहंदी। मैं आ गई हूँ ना, अब तुझे कोई मेहंदी नहीं लगाएगा। जगह पर मैं बैठ जाऊंगी मेहंदी लगवाने। और सुन आज हमें एक बहुत जरूरी काम करना है। ये शक्ति जो हमारे दिमाग को कमजोर कर रही है उसे खत्म कर देना है। लेकिन कैसे? अब मैं खुद उसे सामने से चुनौती दूंगी। जब वो मुझ पर हमला करेगा तो दूसरी ओर से तू उस पर हमला कर देना, फिर उसे अपने कब्जे में कर देना। समझा? ठीक है।